2024 का पहला नतीजा सामने आ गया। कराची में एक वैड़ा भागकर एक दुकान के अंदर घुस गया। नाजरीन, जब भी ईद करीब आने वाली होती है तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को नज़र आती हैं। इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं कि किसी का वैड़ा भाग रहा होता है रोड पर, तो किसी का वैड़ा भाग रहा होता है गलियों में। कभी कभी तो हमें नज़र आता है कि वैड़ा एक सुपर मार्केट के अंदर घुस जाता है। नाजरीन, कल कराची में ऐसा ही हुआ। एक वैड़ा लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उस वैड़े को एक सुपर मार्केट नजर आ गई। नाजरीन, वैड़े ने सोचा कि मैंने तो वैसे भी कुर्बान हो जाना है, तो क्यों ना एक आखिरी दफा सुपरमार्केट से अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। नाजरीन, वैड़ा बड़े ही खामोश तरीके से सुपरमार्केट के अंदर घुस गया और सुपरमार्केट के अंदर घुसकर जाकर अपनी पसंदीदा चीजों के पास खड़ा हो गया। नाजरीन, जिनका वो वैड़ा था, बाद में वो आए, उन्होंने बड़े ही प्यार से उसको रस्सी पहनाई और वो बड़े ही प्यार से बाहर चला गया। नाजरीन, अगर वो सख्ती में होता तो हम ये कह सकते थे कि ये भाग कर आया है, ये अपनी जान छुड़वाना चाहता है। लेकिन जितनी नरमी से ये वैड़ा आया तो इसको देखकर तो यही लग रहा था कि ये सुपरमार्केट में अपने लिए ईद की शॉपिंग करने आया था। खैर नाजरीन, ये चीज कंफर्म हो गई है कि 17 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। 17 तारीख को ईद होगी, आज 30 तारीख है, 31, तकरीबन 18-19 दिन रह गए हैं। 18-19 दिन रह गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब आपको गलियों में बकरे और जानवर नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप इस ईद पर किस चीज की कुर्बानी कर रहे हैं, बकरे की या बड़े जानवर की या ऊंट की, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैल लाए हो और आपका बैल भाग गया हो? नाजरीन, मैंने ऐसा बहुत कम दफ़ा सुना है कि किसी का बैल भागा हो और फिर मिला ना हो और फिर ईद तक उन्हें नया बैल लेना पड़ा हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। हाँ, अक्सर ऐसा ज़रूर होता है कि बैल भाग जाता है, पकड़ लिया जाता है, एक दिन बाद पकड़ लिया जाता है, डेढ़ दिन बाद मिल जाता है, लेकिन मिल ज़रूर जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मिला ही ना हो? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।